पुलिस मित्र टीम लगातार सांपों को पकड़ने में बहुत मदद कर रही है। पुलिस मित्र टीम ने आज भी दो स्थानों से बड़े काले कोबरे पकड़कर दूर के जंगलों में छोड़ दिए। पुलिस मित्र टीम के प्रभारी अमित भट्ट ने बताया कि एक कोबरा तो ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ से पकड़ा है। ये कोबरा गत 3 दिनों से चकमा दे रहा था, लेकिन आज इसे सुरक्षित पकड़कर दूर के जंगलों में छोड़ दिया है। अमित भट्ट ने बताया कि अगर आपको कहीं भी सर्प दिखे तो उनकी टीम को जरूर कॉल करें, जिससे कि सर्प को पकड़कर दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए। टीम ने बताया कि इन सर्पों को मारे नहीं, क्योंकि यह किसान मित्र होते हैं, किसानों की खेती चूहे से बचाते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी के घरों में निकले और दहशत व्याप्त हो तो उन्हें ज़रूर कॉल करें, जिससे कि वह सर्प को पकड़कर दूर के जंगलों में सुरक्षित छोड़ देंगे। दिनेश पारासर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज़। अगर आपके पास है कोई पॉजिटिव खबर तो हमें ज़रूर कॉल करें। इन सर्प को पकड़ने में पुष्कर के डॉक्टर किशन गोपाल जाट, राजेंद्र बच्छाणी सहित पूरी युवा टीम लगी हुई है। यह पूरा सेवा का कार्य पुष्कर थानाधिकारी के सानिध्य में किया जा रहा है। दिनेश पारासर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज। हाँ डॉक्टर साहब, डन। इस साइड इस चेनो छोड़ने जाएंगे, चिंता मत करो। अगर गुस्सा जो कर रहा है तो फूल सांस ले रहा है ना। आप जो पकड़े हैं पूछ तो स्लीप नहीं कर रहा हो। भोलेनाथ माफ कर दो, भोलेनाथ बाबा आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है। रस्सी है? हाँ रस्सी दिया। सगा सूखा है कि किसी के हाथ सूखे हैं? हाँ क्या करना, हाथ सूखे हैं गुर्दे? जाओ आप ले ही पड़े, बस इसको दबा दो, ये काम नहीं कर रहा। ये कार्ड देना,
आप ऐसे के बाहर आ जाइए ना, ओपन से हो जाएगा। नहीं नहीं रुको रुको रुको, हो जाता हो जाता। अच्छा आप सूखे होने के बाद पूरा बाहर आ जाइए, हो जाएगा। जी क्या मामला था गुरुजी आज का? मामला ऐसा रहा कि कल रात्रि में एक बहुत भयंकर सांप दिखा, जिसके लिए हम लोग काफ़ी चिंतित हुए और पुलिस रेस्क्यू टीम पुष्कर के लोग आए भी, करीब 20-22 लोग आए, बहुत प्रयास किए लेकिन वो कहीं अदृश्य हो गया, आंखों से ओझल हो गया। अभी प्रातःकाल पुनः जब दिखा तो संपर्क करने पर तुरंत भाग करके सभी लोग आए और उसे पकड़ करके लेके जा रहे हैं। सबका बहुत बहुत साधुवाद। करीब कितना लंबा था गुरुजी? करीब ये 4 फुट का तो आराम से था और मोटा भी था जी, कोबरा था। अच्छा आपका नाम गुरुजी? मेरा नाम ब्रजेश तिवारी। जी क्या मामला हुआ? ये कोई पवन पिंचर वाला है, उसके घर में सांप घुस गया था, मेरे को बुलाया था। हाँ। तो उसने कहा कि मेरे घर में सांप घुस गया, मैं आप रेस्क्यू करने गए थे, इसके पहले मैंने पकड़ लिया। अच्छा क्या नाम है भैया? मेरा नाम लक्ष्मण नारावत। लक्ष्मण नारावत। हाँ जी, आज ये काम क्या मामला था रेस्क्यू का? जी तीन पुलिस मित्र को कल रात्रि सूचना प्राप्त हुई थी ब्रह्म सावित्री वेदपीठ से कि वहां पर एक काला कोबरा सांप घुसा है और जिससे काफी दहशत का माहौल है। रात को सर्च ऑपरेशन चलाया गया परंतु अंधेरा होने की वजह से कोबरा सांप दिखाई नहीं दिया गया, परंतु आज सुबह तेज बारिश के दौरान कोबरा सांप बाहर निकला है और पुलिस मित्र टीम तुरंत मौके पर पहुंचे और करीब 5 मिनट के प्रयासों के बाद में कोबरा सांप को काबू कर लिया गया, जो कि करीब 5.5 फीट लंबा था। और इसी दौरान जो आचार्य ब्रजेश तिवारी जी, उनके द्वारा मंत्रोच्चार करके और सांप के लिए साथ ही साथ भगवान शिव से प्रार्थना भी की गई, और इसके पश्चात एक जो अम्बेडकर कॉलोनी है पुष्कर में, वहाँ से भी एक कोबरा सांप के किसी घर में छुपे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिससे जाकर तीन पुलिस मित्र ने पकड़ लिया और दोनों सांपों को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। आपका नाम? अमित भट्ट, इंचार्ज टीम पुलिस।